हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और एक और नई वीडियो को ट्यूटोरियल लेके आ गया हूं जो कि स्टेटस टाइप का है। कुछ इस प्रकार का वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है मुझे, और ये वीडियो मुझे आज कहीं भी मिला था तो इसका ट्यूटोरियल लाना चाहा कि कैसे बना सकते हो। तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें देखने में जो टेक्स्ट है इधर से एक जाता है और एक इधर से जाता है, तो बहुत ही मस्त लगता है। इस तरह का स्टेटस अगर आप बनाते हो तो बहुत जल्दी वायरल हो सकता है वीडियो, और किसी भी वीडियो पर बना सकते हो, चाहे जैसा भी आप क्रिएट करके वीडियो बनाओ उस पर भी लिख सकते हो। तो कैसे करना है वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी कि कौन से ऐप से बनती है। तो चलिए वीडियो को देखेंगे कि कैसे बनाना है, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, खराब लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ में अगर आपको कोई वीडियो को सुझाव देना है या कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए, तभी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा मेरे साथ टेक्निकल महात्मा। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ काइनमास्टर ऐप में, क्योंकि वो फीचर काइनमास्टर ऐप में ही दिया जाता है, तो इसी से हम वीडियो को मिक्स करेंगे। अगर आपके पास काइनमास्टर ऐप नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, या मेरा वाला काइनमास्टर चाहिए तो मेरे इंस्टा पर मैसेज करना पड़ेगा, तो वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा। अब यहाँ पे क्या करना है उस तरह की वीडियो क्रिएट करने के लिए, बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। क्या करना है, प्लस पे टैप करना है, 9:16 या 16:9 जिस तरह का आप वीडियो क्रिएट करते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो 9:16 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने से डायरेक्ट गैलरी खुल जाती है। तो आपको क्या करना है, देखिएगा, जो भी वीडियो सिलेक्ट करना है वो जहाँ भी हो वो उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं कोई अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ से हम एक वीडियो सिलेक्ट करते हैं इसी वीडियो को, और सिलेक्ट करने के बाद ओके करते हैं। जो मैंने बहुत दिन पहले क्रिएट की थी कुछ इस प्रकार की ये वीडियो है, देख सकते हो। तो यहाँ पे सॉन्ग तो भाई अभी मैं सुन नहीं रहा, तो यहाँ पे कैसे करेंगे सो देखिएगा। जैसे मैं एक दो आपको बता दूंगा, उसके बाद आप पूरा लिरिक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए सॉन्ग का पहला भाग यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तेरा मेरा कुछ इस प्रकार से है सॉन्ग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टैप करेंगे और सीजर पे जाएंगे, स्प्लिट एट प्ले हेड कर देंगे। अब ये हो गया, फिर दूसरा में आते हैं। मान के चलिए ये दूसरा भाग यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो इतना पे रखेंगे और स्प्लिट कर देंगे। फिर आगे जाएंगे, फिर तीसरा भाग यहाँ से यहाँ आया, तीसरा यहाँ से आएगा तो यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे। फिर चौथा में आगे यहाँ से आएगा अगला भाग, तो यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे। अब इस प्रकार से हो गया। अब इतना हो गया तो क्या करना है, जहाँ तक लिरिक्स आपको रखना है वहीं तक आप रख सकते हो, इसे स्प्लिट कीजिएगा। अगर मान के चलिए चार भाग में नहीं, एक ही भाग में यहाँ तक था, तो एक ही भाग स्प्लिट करना है, दोबारा नहीं। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक दो लाइन लिखनी है, एक लाइन लिखनी है, तो बस इतना ही तक। अब यहाँ पे क्या करना है लिखने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे पहला में टैप करते हैं तो पहला क्लिप ये हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने के बाद, आप सब में भी होगा, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है। और आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, आपको मिलता है काइनमास्टर को इंस्टॉल करते ही। तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं और आपको एक ऑप्शन मिलेगा बेसिक टाइटल इफेक्ट, इस पर टैप करना है। और यहाँ पे चौथे नंबर पे जो है मॉडर्न टाइटल, इस पर टैप कर दें। टैप करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाना है और जो लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो तेरा था लिखा हुआ, तेरा लिख देते हैं। और यहाँ पे डबल ए का मतलब ए का ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट का, इस पर टैप करना है। और कोई भी फॉन्ट आप अपने पसंद का लगा सकते हो, तो इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। फिर से ओके करना है और यहाँ पे फिर सेकेंड लाइन में आना है और यहाँ से था मेरा लिखा हुआ, तो इस प्रकार से मेरा लिख देते हैं। और यहाँ पे लिखने के बाद क्या करना है, इसको भी फॉन्ट चेंज करना होगा, चेंज कर लीजिए। दूसरा लगाना है, दूसरा भी लगा सकते हो, वही लगा सकते हो, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर दें। अब इतना हो गया, फिर से ओके कर दें। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया, कलर चेंज करना है, मान के चलिए व्हाइट है तो व्हाइट की जगह हम दूसरा देना चाहते हैं तो दूसरा कलर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रेड हो गया और रेड टेक्स्ट भी हो गया, तो व्हाइट ही ठीक लग रहा था, व्हाइट ही अच्छा लग रहा है, तो व्हाइट ही सिलेक्ट रखेगा। अगर आपको दूसरा लगता है, दूसरा लगाना है तो लगा सकते हो और टिक कर दें। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं तो कट किया हूँ, जहाँ से मिले या ना मिले आप सॉन्ग के अनुसार कट कीजिएगा। तो इस प्रकार से गया एक लाइन। अब दूसरा में फिर जो था यहाँ पे वैसे ही सेम सिलेक्ट करना है और क्लिप ग्राफिक्स में जाकर वही चीज़ को सिलेक्ट करना है, ऐसे ही करके जैसे मैंने बताया। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो का ट्यूटोरियल, तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।